लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की शुरुआत फैज हमीद के फौजी तहवील में वरत वे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायतों मिली हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मन की रोशनी में फैज हमीद खिलाफ इंक्वायरी कई वही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद खिलाफ रिटायरमेंट का पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो केतरी भनिकड़ियों साबित थी चुकियों संदस खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट तहत कार्रवाई शुरू कई वही है। एसपीआर से पधराई फैज हमीद सियासी मामलों में खुली मुदाखलत कह हो। फैज हमीद के खिलाफ कुछ शूं साबित थी होंद इन खेस फौजी तहवील में वरत वो है। फैज आबाद हरण के मुआदे में फैज हमीद सही थे है। कोर्ट मार्शल के अमल के फौजी तरीक़ेकार मूजिब अगत घुर्जे। सियासी मामलों बाबत वजीर आजम के सलाहकार राणा सनावला जो रद्द अमल सुसमावर वफाकी वजीर अताउल्ला तार चवत फौज में एहतसाब जो एक पहो सिस्टम मौजूद है। फौज में मेरिट के बुनियाद से इंक्वायरी थी है। एक सियासी पार्टी फैज हमीद से लागापा जाहिर कर रही है। संदस खिलाफ टॉप सिटी केस में अकबर आई थी है। पीटीआई बानी की हुकूमत आड़न में फैज हमीद जो अहम किरदार हो। संदस कोर्ट मार्शल वाले मामले ते घना तज्जिया करण की जरूरत ना है। पीपल्स पार्टी के सीनियर अगवान कमरुज़्ज़मा कायरा जो फैज हमीद के कोर्ट मार्शल वाले मामले ते रद्द अमल सेनेटर फैसल वावड़ा चयो है। फैज हमीद पीटीआई एक ही नालो है। इहा अना शुरुआत है। मामलो परे ताई वेंदो 9 मई की पुठभराई कंदड़न जो एहतसाब थींदो। इदारन के पंजो कम करण दियण घुर्जे। पाकिस्तानी तरक्की में अकलियतन जो अहम किरदार है। अकलियतन लाए सरकारी इदारन में 5 सैकड़ों कोटा मौजूद है। पाकिस्तान में अकलियतन के समूरा हक हासिल आहिन। मोदी जी भारत में अकलियतू महफूज नाहिन। असा माजी में कें बे जी जंग जो हिस्सो बणियासी जैसा नुकसान थो। ओभर पाकिस्तान वारिसानी का असा के विराय वो असा के कमजोर कर पाड़ेसरी मुल्क की जंग में धिको वो या बे कें न पर असाजी गलती हुई। असा पाड़ेसरी मुल्क की जंग पवण के नतीजन जो अंदाजो न लगाए सकिया हुआसी। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में अकलियतन की आलमी दिहाड़े की मुनासिबत से तकरीब के खिताब। सिंध हाई कोर्ट कारूझर की कटाई बाबत सिंध हुकूमत जो फैसलो रद्द कर छोड़ो। कारूझर के कौमी विरसो करार दई नोटिफिकेशन अदालत में पेश करण जो हुक्म। कारूझर के हिस्से खारसर की मादनिया जो जवाब जड़ाए कटड़ का रोकड़ बाबत केस की मीपुर खास बेंच में बुधड़ी। सकाफत खाते जो सेक्रेटरी खैर मोहम्मद कलवर पेश थो। अदालती फैसले में चय है तो कारूझर की कटाई बाबत सिंध हुकूमत जो फैसलो रद्द करे तो सिंध हुकूमत के आखिरी हतमी मौको दियो था तो कारूझर के कौमी विरसो करार दे। सिंध में रुगो कारूझर बचो है जैसे अवा खपाय चाहो था जैसे तीन अदालतों मौजूद हैं। अवा कारूझर के खपाए ना सको। फातिमा फरो कत्ल केस में 5 शाहिद बयान तां फिरी वया। दहशतगर्दी जा कलम खत्म। खैरपुर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत केस सेशन कोर्ट मुंतकिल कर छो। केस के शाहिदन उजाला फरड़ो सगीर सानिया नसीर हसन फरड़ो पैं बयान तब्दील करने मुख्य जवाबदार की घरवारी हिना शाह की जमानत मंजूर करण के हक में बयान दिनो। शाहिदन बयान दिनो है तो फातिमा फरड़ो तशद सबब न पर बीमारी सबब फौत थी वही। जे बयान अग में वरता वया हुआ उ अच्छे पन्ने से वरता वया। फातिमा की अमर अदालत से बेतमादी जाहिर करने है तो अदालत मथा हुकूमती दबाव है जै करे केस के हेठी अदालत मुंतकिल कर अदालत के इन फैसले में मुतमैन ना। वजीर आजम कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट जो अफ्तताह कर छो। शहबाज शरीफ शागिर्दन के पंजो खर्च से चीन मोकलण जो ऐलान कर छो। संदस चवड़ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में तालीम जो जदीद हथियार है। चीन सब का वधिक तरक्की कंदड़ मुल्क है। नौजवानों के चीन जड़ा मौक़ा फराहम किया वह तो वे खुशहाली जो इनकलाब आनंदा। शागिर्दन के 10 लाख लैपटॉप मोबाइल फोन्स फराहम कंदी। असा के माजी मां सबक सीखी अगते बढ़ो है। दहशतगर्दी की पार खा खात्मे के लिए पुरजमायूँ। समूरी कौम के पंजे बहादुर शहीदन ते फख्र है। शहीदन जो बेमिसाल कुर्बानियों कौम के जला बख्शन थियं। सदर आसिफ अली जरदारी जी शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक के घर आमद वारसन सा ताजियत जो इजहार थे। खराज अकीदत पेश। सुप्रीम कोर्ट कौमी तकन एनए 154 एनए 81 एनए 99 में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की बीहर गणप बाबत केस में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के कलदम करार दे छो। मुस्लिम लीग नून जा अगवाड़ कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन जो फैसलो बहाल कर वो। सुप्रीम कोर्ट ब एक की अक्सरियत से फैसलो बुधाय। जस्टिस अकील अब्बासी जो फैसले से इख्तलाफ।
सिंध सरकार एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कर छी खांगी एविएशन कंपनी से मुआदो एयर एम्बुलेंस अहम मनसूबो है जैसा मानून जो जानू बचाए सकजन थी। एयर एम्बुलेंस सर्विस बिलावल भुट्टो जरदारी जो विजन हो जो पूरा थो। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह जो तकरीब के खिताब सईद गनी जो चवणा है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंध के दूरान इलाकन में मरीजन के कराची मुंतकिल कर सकजे थो। सदर आसिफ अली जरदारी जश्न आज़ादी के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन की घटाई कर छी। सदर आयन जो आर्टिकल 45 तहत सजाओं में घटाई की मंजूरी दिनी। कत्ल जासूसी रियासत मुखालिफ कैदियों जो सजाओं न घटाई वेंदू। चोरी धाड़न दहशतगर्दी में सजा काटिंदड़ कैदी भी छूट हासिल न कर सकंदा। सजा में घटाई माली डो कौमी खजाने के नुकसान पहुँचाइंदड़ कैदियों से भी लागू न होंगी। अमेरिकी सरकार की एक बी अहम विख पाकिस्तान में गिजाई खोट से मुतासर बारन लाए गिजाई इमदाद यूनिसेफ हवाले कर छी। कराची में मुनक़िद तकरीब में अमेरिकी सफीर डोनल्ड ब्लूम गिजाई इमदाद यूनिसेफ हवाले कई आलमी तरक्की बाबत अमेरिकी एजेंसी की माली सहायता से इन इमदाद वसीले सिंध और बलोचिस्तान के बोर्ड सटल इलाकन में गिजाई खोट के मुँह डींदड़ 29,000 का बार फायदो वही सकता। अमेरिकी सफीर डोनल्ड ब्लूम के चवण है तो गिजाई इमदाद की फ्राहमी पाकिस्तानी अवाम सूदो पुट से पयल तबकन से अमेरिका के पायदार सहकार तोड़े गांढापे जो मजहर है। इन्हें बोहरान के मुँह डेण और पाकिस्तान में बारन जो एक नसल बचाने ला असा के तकड़ा उपाव वा पवंदा। अड़ा भी उस्ताद मौजूद हैं जिनके पा पढ़ नो अचे बेन के पढ़ाइंदा। तालीम खाते के 6,000 गोसड़ू उस्तादन खिलाफ कार्रवाई कई है। जे गोसड़ू उस्ताद स्कूलन में वापस न इंदा उन्हें बरतरफ किया वो आदि गैर हाजिर रहंदड़ उस्तादन से का रियायत न थी। तालीम बारे सूबाई वजीर सरदार शाह जो कराची में तकरीब के खिताब ई मीडिया से गाल सिंध चवण है तो सिंध में 50 लख बार स्कूलन का बाहर आन जो असाए वो चैलेंज है। बिना टेस्ट के भर्ती थियल उस्तादन लाए चेक एंड बैलेंस जरूरी समझू था। नौजवान जहाँ टेस्ट वी उन्हें भर्ती किया उम्मीद है तो 30 साल का भर्ती थियल उस्ताद भी टेस्ट पास कर वा सेफ स्कूलन में मिट्टी दाखिला चकासण जो निज़ाम आनंदा से। पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में नौजवानों जो आलम दिहाड़ो मल्हाय वो। सदर आसिफ अली जरदारी चवण है तो नौजवान पाकिस्तान की मजबूत मुस्तकबिल की जमानत आन असो फर्ज है तो नौजवानों की सलाहत के हथी वछाई वे नौजवानों से सीड़पकारी करण की जरूरत है। नौजवान पैं लाए मौजूद मौक़े में फायदो हासिल कर वजीर आजम शहबाज शरीफ चवे तो नौजवान दुनिया के मुस्तकबिल जहा मेमार हैं। पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मंजरनामे से जुड़ी रो है। हुकूमत नौजवानों में रोजगार की फ्राहमी लाए 186 अरब रुपया विराया है। पीपुल्स पार्टी नौजवानों के बाख्तियार बनाने लाए हमेशा कदम खया है। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल जहा हकीकी मेमार आन रियासत मुआशरे जो फर्ज है तो नौजवानों के तालीम हुनर मौके फराहम करें। कायदे अवाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम के बुनियादी हकन लाए जदोजहद कई पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पेगा। थरवासी नौजवान कराची में गाड़ी के टक्कर में फौत वारसन पारा कतल जो इल्ज़ाम। दाहली के गोठ पंजवी वरहन जो सदाम पुट मोहम्मद रमजान कराची गाड़ी के टक्कर में फौत थी वो। इतलाबाद नौजवान के वारसन बहरिया टाउन पहुंची संदस लाश वसूल कयो। वारसन जो चवण है तो नौजवान के बेगुनाह कतल किया है। नोटिस पटी जवाबदार गिरफ्तार किया। रखड़ भरसा गोठ जवाबपुर चांडियो में चांडिया बरादरी की बिंदुरी में पुराने तकरार का झेड़ो। फायरिंग में एक जड़ो कतल एक जख्मी गोलियों लगन सबब तारिक चांडियो मार वो शरीफ चांडियो जख्मी अस्पताल दाखिल धुरियन में छिकताण जारी। सिंधु दरिया में पानी के चार सबब मच्छर डंड से पानी की सतह में बीहर इजाफो वो। मच्छर डंड में पानी की सतह 111 फुट 7 RL ताई पहुंची वही। सिंधु दरिया में चार सबब कच्चे जा केतरा ही गोठ पानी के घेरे हेठ अची वया। यूनियन काउंसिल टल्टी चार 3 गोठ पानी के लिपेट में अची वया। आपाशी खाते LS बचाव बंद से एमरजेंसी लागू करे अमलदारन जो ड्यूटीज लगाए छड़ी। आपाशी खाते मूजिब इन वक्त सिंधु दरिया में 2 लख पानी जो वहकरो गुजरी रो है।
सिंध के रांदन नौजवान के मामले वारे वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम लाए 35 लाख रुपया इनाम जो ऐलान कर छोड़ो। मोहम्मद बख्श महर जो चवण है तो हु जाती तौर भी अर्शद नदीम के 10 लाख रुपया इनाम तौर दी। अर्शद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल खटे मुल्क जो गाट ऊंचो कर साड़स जल्द मुलाकात कद। सिंध समेत सजे मुल्क में 14 अगस्त से जश्न आज़ादी मल्हाण जो तैयारियों उरूज से पहुंची व्यू। कौमी झंडा बेज कपड़ा बो सामान खरीद लाए स्टॉल लगाया व्या। नंढन वन शहर में बार नौजवान तोड़े पोड़ा कौमी झंडन सा शहर घिटियों घर सिंगारण में मसरूफ। इन भेरे भी शहरी कौमी झंडे उनके रंगन मुताबिक कपड़ा खरीद कर रहा। मुख्तलिफ़ शहर में खास तकरीबू मुनद क्यों व्यू।